नौमान वजीर साहब 5,550 अरब आएगा, तो फिर वो कहते हैं ना कि क्या जुमला था कि वो राधा नाचेगी दामन से, तो ये आएगा कहाँ से सर? इसके ऊपर तो तकरीबन मैंने सुबह से जितने बड़े लोगों को सुना है, इवन के डॉक्टर साहब तो हमेशा जो बात कहते हैं वो सामने हमारे आती है, तो ये आएगा कहाँ से सर 5,550 अरब? आपने तो आम आदमी की कमर तोड़ दी है, आपने तो सैलरी पेट की कमर तोड़ दी है, बेचारे जो दूसरे जो लोग हैं उनकी कमर तोड़ दी है, उसके बावजूद अगर ये 5,500 अरब नहीं आया सर, तो फिर तो आपके जितने अहदाफ हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आपको पहले आपका जो सवाल उसका भी जवाब देता हूँ, बाकी जो हमारे साथियों ने कॉलीग्स ने जो बोला उस पर भी थोड़ा कमेंट करता हूँ। पीटीआई का कुछ व्यूज़ होंगे, जरूर कुछ मेरे अपने व्यूज़ होंगे। देखिए जी, आपने अब दो चीज़ें हैं, एक टेक्नोलॉजी पर बैंक करना है, उस पर जाना है, उसको ज़्यादा एडवांस करना है, सेकेंडरी डेटा को उठाना है, आपने यूटिलिटीज़ को देखना है कि जी बिजली का बिल कितना है, कितने लोग हैं। एक मिसाल देता हूँ कि केपीके के अंदर हमारा केपीके गवर्नमेंट कहती है कि 1600 कारखाने हैं, और जो B1 B2 B3 टेरिफ है वो दिखाते हैं हमारे 19,000 कारखाने। तो कहाँ 1600, कहाँ 19,000। ये चीज़ें जो है ना, सेकेंडरी डेटा को उठाकर इन लोगों को सामने लाया। SSCP का जब सामने मिसाल आती है कि 50% आर पेइंग टैक्सेस, अंदर 50% नॉट पेइंग, 3,40,000 हमारा स्विगी गैस से कमर्शल इंडस्ट्रियल कनेक्शन हैं, 40,000 टैक्स दे रहे हैं। ये सेकेंडरी डेटा सामने आने वाला है, एंड बी वेरी केयरफुल। मैं अकील रेड्डी साहब बैठे हैं, मैं भी चेंबर का इंडस्ट्रीज़ का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ KP पेशावर में। आई एम बतार साहब को मशवरा देना चाहता हूँ सारे बिजनेस कम्युनिटी को कि जी आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में रहो। अब इतना डिजिटाइज चीज़ें हो गई हैं, कुछ और डिजिटाइज हो जाएंगी। अब आप वो हरकतें नहीं कर सकते जो 60 की या 60s में या 70s में जो 80s करते थे। हैव अ वेरी क्लीन बिजनेस, सब कुछ ठीक ठाक करें। माइंड यू, योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेंजरसली फोकस्ड, वो ही इज़ ऑन अकाउंटेबिलिटी, वो इसकी पीछे पड़ा हुआ है। आप जो देख रहे हैं आजकल, सबके पीछे पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी करेंगे। एवरी वन हैज़ टू गेट इन टू द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, वेदर वो शोभा बाज़ार है पेशावर का, या लिबर्टी मार्केट है, या मिश्री शाह है, या बदामी बाग है लाहौर का, ये सब ने आना है डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में, तो जितना जल्दी आए बेहतर हो गया। एक ये बात। दूसरी बात, जब आपने GDP की जो बात करते हैं ना, डॉक्टर साहब ने बात की, देखिए आपको पता है कि टैक्स टू GDP जो अपना GDP जो डेट टू GDP रेशो जो है US हमारा, तो जो लॉ कहता है कि 60% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन 70-72% है, इसके बीच में चल रहा है। कुछ मतलब फिगर्स वेरी कर रहे होते हैं, कुछ कुछ क्या डाल रहे होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं। जापान में क्या है, US जापान में 400% है, US में 160% है। सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट दी डेट टू GDP रेशो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारा गरीब मुल्क है, इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, ये इस तरह चलता रहेगा आगे आगे आगे। जो बात आप सब क्रिटिसाइज, डॉक्टर साहब आपने भी क्रिटिसाइज़ किया IMF का, आई डोंट एग्री। मेरे ख्याल में IMF के जो 22 पहले पैकेजेस आए थे ना, सब पाकिस्तान के लिए, उसके अंदर 95% चीज़ें पाकिस्तान की मुफाद में थी। मसलन अभी क्या है, कौन आदमी मुझे ये कहेगा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज 196 हमारी है, वो कोई 1200 अरब नुकसान कर रही होती हैं, इसको रोकना है, इसको सब ने रोकना है। एकेडमिशन ने, मीडिया वालों ने, अपोजिशन वालों ने, ये चीज़ को हेड ऑन लेना है। इसका कोई ये हल, गलत हल है जो आप कहते हैं चेंज ऑफ मैनेजमेंट, कोई चेंज ऑफ मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता, इट हैज़ टू बी प्राइवेटाइज। जहाँ आपके ऐसे कारखाने हैं, आपका सरकार में ही कारखाने थे जो लोगों को आपने ले ऑफ कर दिया, लेबर लॉ में लिखा है। स्टील में 17,000 आदमी बैठे, और बहुत इदारे हैं जहाँ लोगों को ले ऑफ क्यों नहीं करते। आप क्यों हेमरेजिंग हो रहे हैं, 1200 मिलियन लूज करते जा रहे हैं, इसको आपने प्राइवेटाइज करना है। सर्कुलर डेट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो अपोजिशन को चाहिए कि इसके अंदर बात करें कि वो सर्कुलर डेट को जाए। कैपेसिटी टैक्स हम दे रहे हैं जी, 600 बिलियन का कैपेसिटी टैक्स दे रहे हैं, अगले साल 900 बिलियन का कैपेसिटी देगा। 134 कारखाने हमारे लगे हैं बिजली बनाने के लिए, जनवरी फरवरी में 30 चल रहे थे, 104 बंद पड़े हुए थे, उसको आप पार्किंग फीस दे रहे थे, कैपेसिटी दे रहे थे, ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किया। ऐसे भी IPPs हैं जिसको आपने, नेपरा ने कहा कि आप 17% ले सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। यू नो हाउ मच दे आर गेटिंग, सम 90% एंड देयर सम विच आर 110%। 10 महीने में की लेडी साहब उनका पैसा वापस हुआ, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी।
ये सेनेट के अंदर एक कमेटी बनी है, आई एम हेडिंग दैट कमेटी, अभी हम निर्देशन हम शुरू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गो एट हेड ऑन टू इसके साथ बात करके इस चीज़ को, ये चीज़ें ठीक करनी टोटल। ये मैंने कहा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज सर्कुलर डेट को ये बन जाता है कोई 2000 के करीब बन जाता है, ये तो आपके दो आर्मी का डिफेंस का बजट हो गया, यानी दो और आर्मीज ऐसी आप बना सकते हैं, इसको जब तक ठीक नहीं, इस चीज़ को देखना है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है, सबने बैठना है, देखना है कि क्या मुल्क के लिए मुफाद की चीज़ है, सियासत नहीं करनी इसके अंदर। डॉक्टर साहब बैठेंगे, डॉक्टर इशफाक साहब आप बैठे, हम बैठे, लेट्स डिस्कस, मे बी हमारे पास पीटीआई के पास अच्छा सजेशन सोल्यूशन नहीं है, यस यू आर ओपन टू गुड सोल्यूशन, ठीक है, लेकिन पॉजिटिवली देखें, ये ना करें कि आप आज, मैं 20 साल में डॉक्टर साहब पहली दफा मैं तकरीर बजट नहीं सुन सका कि इतना शोर शराबा था, वो मैं गया गैलरी में बैठा के नेशनल असेंबली की सुने, वो नहीं समझ आया, आप सुने तो सही, ये ना करें वो आया डॉक्टर साहब मेरे पास आया एक पॉलिटिकल पार्टी वाला आदमी आया, कहता है 28 रुपए किलो क्या कर रहे हो, मैंने क्या 28 रुपए किलो क्या, कहते ये किताबें दी हैं 40 किलो वजन इनका 28 रुपए किलो बिकेगा, पढ़ता वढ़ता कोई नहीं है, मेहरबानी कर कर पढ़े, मेहरबानी कर कर आप पढ़े, इसको देखें बजट में क्या है, पढ़े और उस पर पॉजिटिव तबसरा करें, पॉजिटिव एंड वी और ओपन फॉर, मेरा ख्याल है उस चीज को करेंगे तो आगे चलते रहेंगे।